पर आजम घंटा अपने पूरे कैरियर में मुझे इस तरह की एक इनिंग खेल के दे दे, एक इनिंग खेल के दे दे इस तरह की घंटा मुझे पूरे कैरियर में अपनी एक इनिंग इस तरह की खेल के दे दे। बेटा जिस तरह की उसने बैटिंग किया ना आज, जिस तरह की विराट कोहली ने आज बैटिंग की है, बाबर आजम साहब मुझे इस तरह की कभी एक इनिंग खेल के दे दे और घंटा खेल ही नहीं सकता, और घंटा में इतनी औकात ही नहीं है यार। विराट को बेटा 117 रन करके गया है, उसने मैच को बनाया सारा, पहले वो मैच को बनाया उसने, फिर मैच का न्यूजीलैंड का घंटा बजाया। और आपके भाई ने कल प्रेडिक्ट किया, देखो मैं कल प्रेडिक्शन कर गया हूँ, मैं कल प्रेडिक्शन कर गया था कि विराट कोहली का बल्ले 100 आ रहा है। मैंने कल बोला था विराट कोहली का बल्ले 100 आ रहा है, लेकिन कुछ घंटे के किंग्स आके कहते हैं हर बार ऐसे नहीं होता, हर बार तेरी प्रेडिक्शन ठीक नहीं होगी, हर बार इस तरह नहीं होगा। तो आपके अब्बू विराट कोहली ने 100 बना दिया है, आपके अब्बू विराट कोहली ने घंटा बजा दिया है, आप खेलता है, ये तो कोई प्लेयर ही नहीं है, इसने तो रन सारे पता नहीं कौन से मैचों में बनाए हैं। हमारा घंटा इससे बहुत अच्छा है, हमारा जो किंग है हम उसको पेपर पे बना के, बत्ती बना के, सोशल मीडिया का किंग बना के ही छोड़ेंगे। मेरा तो घंटा सैक हो गया, 50 को कंपेयर किससे करोगे, मेरे घंटे के फैन, मेरे घंटे के फैन। व्हाट अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। देखे विराट कोहली तो सब जगह हो रहा है, अय्यर भी हो रहा है, लेकिन मैंने जब ये देखा कि रोहित शर्मा ने 5 ओवर में इस विकेट पे 50 रन बना दिए, तो मैंने ट्वीट की जिसपे आए घंटे के फैन केम एंड ट्रोल मी। मैंने कहा भैया रोहित शर्मा जरा ये तो बता दो कि तुम फाइनल किन से खेलना चाहोगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया से या बबूमा से। वो तो मुझे लग रहा कौन खेलेगा, लेकिन हाँ पहले आ जाओ एक क्रिटिकल पॉइंट को पहले डिस्कस कर ले, बाकी मैच का प्योर एनालिसिस करेंगे। सिल्वर साइड पर थी विकेट, क्रिटिकल पॉइंट ये कि जो सुबह से लोगों ने शोर मचाया, मैंने भी समझी बात, 7 नंबर वाली पिच थी, वो हार्ड थी, रीयूज विकेट थी, 2 मैच हो गए थे, स्लो विकेट पे मैच कराया। आप लोग कितने बेवकूफ हैं, अगर आपको कोई डिबेट करनी है ना, जो हेटर्स हैं जिन्हें मसला और रोड़े डालने, तो वो सिर्फ इस बात पे करो कि क्वाइन आपको नहीं दिखता, क्योंकि इस विकेट पे जिस टीम की बैटिंग पहले आती उसे एडवांटेज था। बहरहाल मेरा मानना है कि अच्छा खासा बॉल स्पिन भी होगा, दूसरे इनिंग में अगर टिकना पड़ा, और जडेजा फास्ट पेस से बॉल करता है, विकेट पे स्पिन मौजूद था, मिचेल सेंटनर ने पहले इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, बाद में उसने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद कुछ लोग फिर निकले। नहीं ये 400-800 रन अगर स्लो है, तेज है, सातवीं है, पांचवीं है, आठवीं है, अबे दुनिया की कई किसी भी मट्टी से लाके बनाई गई थी, नरम थी, सख्त थी, जो भी थी, बनाओ इतने रन बनाओ, दो कौन बनाएगा, ये दो सेंचुरी कौन बनाएगा, 70 प्लस पे वो लौटा निकल गया। उसके बाद रोहित शर्मा का वासे ने बता दिया, फिर असल में रोहित शर्मा 45 मिनट में मैच जीता चुके थे, फिर वो शेट्टी का धमाल आया, उससे अलग धोया पकड़ के उसको भी 4-5 ओवर और मिल जाते, वो भी 50 प्लस के ऊपर खड़ा हो जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो सब मान लेता हूँ मैं, भाड़ में जाए तुम्हारी नस्तालिक बातें, अबे ये रन कैसे बन गए, रन तो बनाने पड़ते हैं ना भाई, ये चेन्नई में मार्करम भी तो दिया था, कैसे बना दिए चेन्नई में, ने खड़े होके सारे हम उधर ही चले जाएंगे, सही कह रहे हो, ऐसी की तेजी, अबे रन तो बनाने पड़ते हैं, तेज है, स्लो है, काली है, पीली है, नीली है, देख लो ताला झूठे के बचो, लाना था तुम्हारे ऊपर दूसरों में, अपने तो चलते नहीं, कारतूस सारे फूस पटाखे तुम लोग लेके उतर गए, और दूसरे के चलते हुए तुम्हें जेलसी देते, कीड़े काटते तुम्हारे, साफ बात आपको बता दूं, जब मैच शुरू हुआ भाई पिच स्लो, 397 स्कोर बना लिया, टोटल इंडिया की जो 4 विकेटें गिरी हैं, और क्या कमाल की बैटिंग जो है देखने को मिली आज इंडिया के बैटर्स की जानिब से। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमेशा जो है इंडिया न्यूजीलैंड के सामने चौक करता है भाई, और इंडिया की जो बैटिंग है वो न्यूजीलैंड के सामने फेल होती है, आज इंडिया के बैटर्स ने ऐसी चपेड़े मारी है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। ओए होए क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की जो है इंडिया के बैटर्स ने बैटिंग की है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद क्या कमाल बैटिंग की है शुभमन गिल ने, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, बिल्कुल जो है वो न्यूजीलैंड की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की ऐसी की तैसी पेर के रख दी है। आई है उस जगह पे जहां पे जनाब सचिन तेंदुलकर साहब मौजूद थे, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था। सचिन तेंदुलकर ने उस पे ट्वीट भी किया है कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब पहला दिन था इसका, और इसके साथ साथ शुक्र मेला लगाया बाकी सीनियर खिलाड़ियों ने कि सचिन के जो भी नया बंदा आता है पांव तो छूता है, तो उस दिन पांव छू दे इसने, मैं पूरा दिन हंसता रहा, लेकिन इसने अपनी परफॉर्मेंस से मेरा दिल भी छू लिया था, और इससे अच्छा मौका कोई और हो नहीं सकता कि आज के मौके पे सेमीफाइनल मैच में मेरा रिकॉर्ड अगर तोड़ा है तो वो हमारे एक इंडियन लड़के ने तोड़ा है, और उस मौके पे तोड़ा है जो कि सेमीफाइनल मैच है। सेमीफाइनल मैच में 100, आपसे अर्ज किया था सुबह की वीडियो में भी कि अभी तक विराट कोहली का 100 नहीं आया, इस मौके पे तो आना चाहिए,
और आने की पूरी उम्मीद भी है, जिस तरह के रिदम में, जिस तरह की फॉर्म में खेल रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। सारों के नेट बोल्ट टाइट, एंड में गिर दी दो तीन विकेटें, डजंट मैटर, 160 ऑड की पार्टनरशिप। आज आपको कहा था भाईजान सारा जिंक्स मिंक्स जो है, कोई इंटू प्रिंटू क्रिंटू मिंटू नहीं, आज सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट बैटिंग होगी। हिटमैन भी करेगा, गिल भी करेगा, और किंग तो इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता कि जब दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी स्टैंड में बैठा हो। पहले नीचे आए फुटबॉल के साथ, बैकम और तेंदुलकर और टीममेट्स ने कुछ बॉल फुटबॉल उनकी तरफ फेंकी, तो हो नहीं सकता इतना बड़ा केएन आए। मैं अभी भी से ठीक है, 13 बॉल में 14 था राहुल का, एंड में उसने 20 में 39 करके 2-3 छक्के 2-3 चौके लगाए, तो काम 300 था। अब यहाँ लोग कह रहे हैं जी स्काई भाई, आखिरी ओवर में स्काई कुछ नहीं करेगा, वो या तो सिग्नल लेगा या आउट होगा, तो उसको कुछ ना कहे। मैं समझता हूं जिस तरह आज इट वॉज लाइक टीम इंडिया ऑन अ मिशन, कि ये किसी मिशन पे आए हैं, ये दिखाने आए हैं कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, बहुत बकवास सुन ली। 2019 में ये हुआ था, 2018 में ये, हमें हम पे तो इल्जाम है बेवफाई है कि भाई जान आप तो इंडिया इंडिया, अब इसको रगड़ना नहीं कहते बैटिंग में, क्या कहते हैं इसको, व्हाट डज यू से टू 19 सिक्सेस, 104 मीटर का छक्का, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हॉटस्टार पे लाइव है, तो ये क्या खिलाएगा, ये टट्टू मट्टू इनिंग्स खिलाएंगी, क्या खिलाएंगी, गिरते पड़ते एंटू ब्रिंटू क्रिंटू, ये खिलाएगी कि भाई 100 रन सौदी दे रहा है, 85+ बोल्ड दे रहा है, रचिन रविंद्र दे रहा है, देखें सेंटनर ये का बात करेंगे जी आज आपके साथ। 397 रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा दिए गए हैं, बहुत ही कमाल किस्म की, सुपर डुपर किस्म की जो है वो इनिंग देखने को मिली है आज विराट कोहली के बल्ले से। क्या खूबसूरत विराट कोहली ने आज एक बार फिर से सेंचुरी मारी है, और साथ निभाया उनका वन एंड ओनली अय्यर ने, शुभमन गिल भी छाए रहे, रोहित शर्मा का बल्ला पहले आकर आग उगलता रहा, और इंडिया ने लगभग लगभग सेमीफाइनल को ऐसा लग रहा है कि वन साइड कर दिया, बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ी फतह के करीब इंडिया पहुंच चुका है, और ऐसा लग रहा है इंडिया इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए मोस्ट फेवरेट टीम बन चुका है। और वखेड़े जैसा कहा था रोहित शर्मा ने वैसा कर दिखाया, दो मुंह नहीं, रोहित शर्मा ने एक बात कही थी कि इस वखेड़े स्टेडियम को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मेरे से बेहतर इस वखेड़े स्टेडियम को, और वाकई में मेरी ये बात सच साबित हुई कि वखेड़े को रोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। क्या कमाल किस्म का वखेड़े के अंदर उन्होंने स्टार्ट लिया था साहब, बल्ले बल्ले कर दिया भाई, विराट कोहली ने तारीख रकम कर दिया, विराट कोहली ने हिस्टोरिक नॉक खेल लिया भाई, मजा आ गया विराट कोहली की सेंचुरी देख के, 50वीं सेंचुरी, और उसके बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर को डाउन करके उनको ट्रिब्यूट पेश किया। आज वानखेड़े मुंबई में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए थे, शाहिद कपूर से लेकर जॉन इब्राहिम सब विशाल वगैरह सारे आए थे, लेकिन विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, अनुष्का शर्मा की वो सेलिब्रेशन थी, श्रेयस अय्यर का धमाल, रोहित शर्मा का स्टार्ट, और उसके बाद शुभमन गिल का स्टार्ट भी और अख्तिताम भी, क्रैम्प भी आए, लेकिन भाई भारत ने ऑलमोस्ट 400 का फटा सेमीफाइनल बड़े प्लेटफॉर्म में ठोक नहीं नहीं बहुत दिया, बहुत 397 रन जो बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। और कहते हैं ना कि जहां बैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग कोहली अक्सर ही आकर खड़े होते हैं, तो किंग कोहली ने जिस तरह से एक और सेंचुरी मारी और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स किंग कोहली, बैटमैन भी आया था भाई, बैटमैन लेजेंडरी बैटमैन भी आया था, उन्होंने भी विराट कोहली से मैच से पहले भी मिले थे, बाद में भी विराट कोहली से वो भी हाथ मिला रहे हैं भाई साहब, अली साहब आज साबित हो गया एक बार फिर कि किंग किंग है, और विराट कोहली इवन हम जो कंपैरिजन करते रहते हैं ये फलाना डिपना, नहीं 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 भाई, इवन नियर टू कोहली भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, चाहे आप बाबर की बात करो, चाहे आप किसी और की बात करो, किसी को भी ले आओ भाई, चाहे आप स्मिथ की बात करो, रूट की बात करो, किसी की बात करो भाई, इवन विराट कोहली के नियर भी नहीं है भाई, 50 सेंचुरियां ओडीआई में, 50 सेंचुरीज ओडीआई में भाई, सैल्यूट टेक अप वो विराट कोहली। और सेमीफाइनल में जो कहा जा रहा था कि शायद इंडिया लेट डाउन हो जाएगा, इंडिया पंडल हो जाएगा, न्यूजीलैंड का हमेशा पलड़ा भारी रहा है, न्यूजीलैंड ये कर देगा, न्यूजीलैंड वो कर देगा, भाई हुआ तो ये कि तारीख रकम है और तारीख लिखी है विराट कोहली ने भाई, कितना टेम्परमेंटली स्ट्रॉन्ग खेला, मजा आ गया, तबाही फेर दी विराट कोहली ने, मैं कहता हूं किंग कोहली टेक अप वो, जिस तरह किंग कोहली ने आज खेला है और इतने बड़े क्राउड के सामने, और इस तरीके से मैं रोहित शर्मा को बड़ा क्रेडिट दूंगा इसका।